हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। आप जिस भी कनेक्शन में हैं, जिस तरह की भी सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले मैं उसकी करंट सिचुएशन देखूंगी, ठीक है? जिस भी आप कनेक्शन में हो करंटली, उस कनेक्शन में आपके और उनके दरमियान क्या चल रहा है, एंड मैं देन देखूंगी कि इस कनेक्शन में आगे नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है? सो आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, कि आपको पता चल जाएगा, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि इस कनेक्शन में आगे आपके लिए नेक्स्ट आ क्या रहा है। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आई कैन शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिस भी पर्सन के साथ आप इस कनेक्शन में करंटली हैं और आप जानना चाहते हैं कि आगे नेक्स्ट कनेक्शन में आपके लिए क्या आ रहा है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ को आपने अलाइन करना है उस पर्सन के साथ, उस कनेक्शन के साथ, एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है। बट याद रहे, ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल एंड डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। सो लेट्स सी, मैं देखती हूँ करंटली आपके इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, करंटली मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन में क्या चल रहा है। जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, करंटली उनके कनेक्शन में चल क्या रहा है। करंटली देखने की बेसिकली रीज़न ये होगी कि आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है, अगर करंटली सिचुएशन आपसे रिलेट कर रही है तो। करंटली सिचुएशन क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन में। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव नाइन ऑफ कॉइंस, देन वी हैव एस ऑफ स्टाफ। आई थिंक ऐसे लग रहा है जैसे इट्स अ न्यू कनेक्शन। करंटली सिचुएशन तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जैसे आपके इस रिश्ते में अभी कुछ अट्रैक्शन, अभी कुछ बहुत कुछ स्टार्ट होना बाकी है। अभी ऐसे लग रहा है जैसे कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज नाइन ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं स्टिल यू गाइज आर फीलिंग लाइक अ सिंगल पर्सन। यस, आपको ऐसे लगता है आप अभी रिश्ते में आए नहीं हो, और मुझे लग रहा है वैसे भी ये जो कनेक्शन है अभी काफ़ी हद तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ, जिस तरह से आप लोग चाहते हो वैसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बट आई थिंक दिस इज़ द वेरी न्यू कनेक्शन बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे एसिस की एनर्जी है। आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में आप लोगों को कुछ लव मिले, कुछ रोमांटिक इमोशंस शो हों, कुछ आपको कमिटमेंट्स मिलें जहाँ से आपकी ज़िंदगी या फिर आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अभी आपका कुछ रिश्ते में कुछ चल रहा है। जबकि आप पैशनेट ज़रूर हो इस कनेक्शन को लेकर, यू गाइज़ आर वेरी एक्साइटेड, इस कनेक्शन को आप आगे लेकर जाना चाहते हो, बट आई थिंक आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि ये रिश्ता आगे जाना भी है या नहीं जाना, या ये कनेक्शन जो है वो आगे जाना भी है या नहीं जाना, या आगे इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ये क्या कहाँ जाएगा नेक्स्ट, तो वो आज मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि इस कनेक्शन में कुछ ज़्यादा कुछ एक्साइटेड या कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। जबकि आप लोग चाहते हो कि इस कनेक्शन में आपको फुल ऑफ लव, भर भर के लव मिले, भर भर के अटेंशन मिले, यू नो इमोशंस आपको शो हो इस पर्सन की साइड से, जिसके साथ भी आप इस कनेक्शन में हो वो आपकी तरफ पहल करें, वो आपकी तरफ पीसफुली कहीं ना कहीं चीज़ों को बनाएं, आपको सुकून दें, आपको प्यार दें, आपको कम्फर्ट दें, क्योंकि कहीं ना कहीं यू गाइज़ आर स्टिल वेटिंग फॉर द लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, केयर, कम्फर्ट। आप इन चीज़ों की इस टाइम वेट कर रहे हो, ठीक है? आप चाहते हो कि उस चीज़ का आपको फ्रूट मिले, ताकि आप हैप्पी हो, आप एक्साइटेड हो, एंड ऑल्सो मुझे आपकी तरफ से एक्साइटमेंट दिख रही है। लेकिन जिस तरह से आप सब कुछ चाहते हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, आपको भी वो कुछ नहीं मिल रहा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है? और आप चाहते हो कि लाइक कि इस कनेक्शन में जो है वो कुछ ना कुछ आपको न्यू आइडियाज़ मिलें, और कहीं ना कहीं आप सोचते भी हो कि क्या कुछ आप इस कनेक्शन में बेटर कर सकते हो, या क्या कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपका ये कनेक्शन फर्दर पीसफुल बने, लविंग बने, रोमांटिक बने और लॉन्ग टर्म चल पाए। यस, आप में से कुछ लोगों की स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब के सब स्टार साइंस हैं। 19 कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज 19 या 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 11 आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या फिर जिस इंसान के साथ आप कनेक्शन में हो उनकी तरफ से आई थिंक उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1, 11, 16, 19, कुछ लोगों की एज भी 19 मुझे दिख रही है।
बट लाइफ पाथ नंबर 169 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. बट दिस इज़ द न्यू बेसिकली लव. आई थिंक आपका ये कनेक्शन जो है ये न्यू है, जिसको लेकर आप स्टार्ट चाहते हो कि ये चीज़ें स्टार्ट हों. आई थिंक मुझे लग रहा है आप काफ़ी आइडिया सोचते हो, कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचते हो कि जहाँ से आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सके. इस कनेक्शन से सोचते हो कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म होनी है, कैसे बदलनी है आपने अपनी लाइफ, क्योंकि इस कनेक्शन को लेकर आप काफ़ी अट्रैक्शन भी मुझे आपकी साइड से दिख रही है. ऑल्सो आप इस कनेक्शन में जिस पर्सन की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट है, आई थिंक आप उनकी तरफ सेक्चुअली एंड फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और उनसे लव करते हो और इस लव को क्रिएट भी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस पर्सन की साइड से भी आपको वही सब कुछ मिले जो इस टाइम आप उस कनेक्शन में चाह रहे हो. बट ये न्यू लव है गाइस, मैं आपको ये कंफर्म बता सकती हूँ कि यहाँ पे एसिस की एनर्जी है, आप न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो. और अगर कुछ लोगों की तरफ से ये कनेक्शन ओल्ड भी है ना, तो आप चाहते हो कि कुछ न्यू इस चीज़ में कुछ फील हो आपको, इस कनेक्शन में कुछ नया आए, कुछ इंटरेस्टिंग आए, कुछ ऐसा आए जो आपको थोड़ा सा एक्साइटेड करें. हो सकता है आपको इस कनेक्शन में कुछ लोगों को सुकून ना मिल रहा हो, काफ़ी टाइम से आप सुकून की तलाश में और सोचते हो कि किस तरह से फर्दर इस कनेक्शन को पीसफुल बनाया जा सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जा सकता है ताकि फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो, या ट्रैवल आप करो मिलके आप अपने इस पर्सन के साथ जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो इस बारे में. बट एनी हाउ लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन. इस कनेक्शन में आपके लिए नेक्स्ट आ क्या रहा है, जिस कनेक्शन में इस टाइम आप हो या चाह रहे हो वो स्टार्टिंग हो, या स्टार्ट अगर हो भी चुका है तो पीसफुल आप चाह रहे हो, तो देख लेते हैं आ क्या रहा है यूनिवर्स की तरफ से. व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन, क्या कुछ नया आ रहा है आपके इस कनेक्शन में. वी हैव मुर्शिदा नंबर 2, वी हैव डॉटर ऑफ कप्स, देन वी हैव तस्लीम. कुछ लोगों का नाम तस्लीम भी हो सकता है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी बाय द वे. आई थिंक इस कनेक्शन में नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इमोशनली मुझे यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं. एंड देन वी हैव एट ऑफ कप्स. कुछ लोगों की तरफ से गाइस, अगर आपका ये कनेक्शन इस टाइम टोटली स्टक हो चुका हुआ है, यस, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है जिनका यहाँ पे टोटली स्टक है, चीज़ें आगे काफ़ी टाइम से बढ़ नहीं पा रही, उनकी तरफ से तो मुझे इस कनेक्शन में दिख रहा है ये टोटली ख़त्म हो रहा है कनेक्शन. ठीक है, अगर आप इस क्लोजर का वेट कर रहे हो कि आपको क्लोजर मिले, क्योंकि इस पर्सन की साइड से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर ये कनेक्शन स्टक हो चुका है, आगे कोई मूव नहीं कर रहा, या फिर आपके और इनके मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, तो उनकी मुझे तरफ से एनर्जी दिख रही है कि इस कनेक्शन में वो पर्सन और आपका एंडिंग दिख रही है, वो पर्सन और आप एक दूसरे से मूव ऑन कर जाओगे, रास्ते आप लोगों के जुदा हो जाएंगे. यस, और जो लोग इस टाइम ऐसी सिचुएशन में हैं कि इस इंसान ने अगर आपको फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस नहीं की हुई, या फिर काफ़ी टाइम से अपने इमोशंस हिडन रखे हुए हैं, मिस्ट्री में रखे हुए हैं, तो बहुत जल्द मुझे लग रहा है नेक्स्ट इस कनेक्शन में आप लोगों को उस पर्सन की तरफ से मैसेज रिसीव होने वाला है. वो आपसे कॉन्टैक्ट करके आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, आप में कितना इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं अब आगे अपने माइंड को चेंज करके आपके साथ जो है इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है. वो इंसान आपके साथ टीम अप करेगा, यस, एंड विद द सन ऑफ कप्स आपकी तरफ रोमांटिक प्रपोजल लेकर आएगा वो पर्सन, जिनकी अभी इमोशंस अभी एक्सप्रेस नहीं हुए, जिनकी तरफ से ये कनेक्शन अभी न्यू है, अभी चीज़ें कुछ भी आपके दरमियान फर्दर बनी नहीं है, दूर दूर से एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताया जा रहा है कि इंटरेस्टेड एक दूसरे में हो, उनकी तरफ से मुझे लग रहा है ये इंसान आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके साथ पहले फ्रेंडशिप होगी, अपने लव एक्सप्रेस करेगा ये पर्सन आपको मैसेज करके, इंट्यूटिवली जिनके साथ आपका कनेक्शन है, या फिर इस इंसान को आप ड्रीम्स में देख रहे हो, या टेलीपैथी आपको कोई उनके थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ नेक्स्ट इस कनेक्शन में एक रोमांटिक ऑफर लेकर आएगा. ठीक है, और उनके साथ आपका जो है वो टीम अप होगा, और ये इस इंसान की तरफ से आप लोगों का आगे रिश्ते में डेफिनेटली इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी. यस, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. नंबर 12, 212 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अदरवाइज 23, 28 एच डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ इनका हो सकता है. नंबर 238 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 33 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज 32, 31, 36, 38,
33 आपकी या इनकी एज भी हो सकती है। टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉन की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोगों की तरफ से अगर आप लोगों का रिश्ता जो है, कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए हुए हैं, तो उनके बहुत कम 3 to 5% चांसेस हैं कि जो इंसान आपको छोड़ के चले गया हुआ है, अगर आपको छोड़ के चले गया, मूव ऑन कर गया, आपका रिश्ता नहीं उनके साथ बन पा रहा था या उनको समझ नहीं आ रही थी, तो उनके चांसेस हैं कि आपके इस कनेक्शन में वो इंसान दोबारा आ सकता है आपके पास, जो आपको छोड़ के चले गया था आपके साथ इंट्यूटिव कनेक्शन फील करके। अदरवाइज़ ये जो न्यू इंसान है जिसके साथ आपका रिश्ता नहीं बना, वो आपको आगे फर्दर अपने एक्सप्रेशन शो करेंगे लव के। और जो लोगों के दरमियान इस टाइम रिश्ता टोटली स्टक हुआ हुआ है, उनकी तरफ से मुझे रिश्ता टोटली एंड दिख रहा है इस कनेक्शन में। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू एंड दिस विल हेल्प यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।